सो क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ एन इंफीरियर गुड फॉल्स इट्स डिमांड. ठीक है जी, तो यहां पर आपको बताना है कि जो आपकी प्राइस है अगर इंफीरियर गुड्स का, वो फॉल करता है तो उसकी डिमांड में क्या फर्क पड़ता है. सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिएगा. देखो, जो डिमांड लॉ होता है वो आपको ये चीज बताता है कि जैसे जैसे आपकी किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज करती जाएगी. और जैसे जैसे आपकी किसी भी चीज़ का प्राइस जो है वो घटेगा, उसकी जो डिमांड होती है वो इंक्रीज करती जाएगी. तो यहाँ पर इन्फीरियर गुड्स का मतलब होता है चीप गुड्स, दैट गुड्स विच आर वेरी यूजुअल, मतलब उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, नॉर्मल गुड्स से हल्की सी नीचे. तो यहाँ पर बहुत ही ईजी सा आंसर था, जैसे ही किसी चीज़ का प्राइस जो है वो फॉल करेगा, उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज करेगी. तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आना था राइस करेगी. ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर फर्क होता है. अब जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मल गुड्स के केस का. नॉर्मल गुड्स के केस में एग्जामिनर क्या रख देगा, यहाँ पे आपके लिख देगा नॉर्मल गुड्स, और आपसे पूछ लेगा कि बताओ अगर प्राइस जो है, अगर कंज्यूमर की इनकम जो है इंक्रीज करती है तो नॉर्मल गुड्स के टाइम पे क्या फ़र्क पड़ेगा. तो ये भी केस आपको पता होना चाहिए. जैसे सपोज करो कि आपकी इनकम 10,000 रुपये है. ठीक है, अगर आपकी 10,000 रुपये इनकम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये खर्च सकते हो, इससे ज़्यादा तो आप नहीं खर्चोगे ना, जितनी इनकम है उतना ही खर्चोगे या तो उससे कम खर्चोगे. वहीं अगर मैं इसमें 2 ज़ीरो और बढ़ा दूँ, 1 लाख कर दूँ, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो ऐसे ही कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज करती है तो डिमांड भी इंक्रीज करती है. ये केस भी आप